नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बीजेपी सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और वाराणसी दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों से उन्हें भारी मतों से सफलता मिली थी, हालांकि बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ। उनका शुरुआती समय काफी संघर्ष भरा रहा। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत और निर्णायक नेता की रही है। मुश्किल फैसले लेने से वो कभी पीछे नहीं रहे। काले धन और टेरर फंडिंग पर नकेल कसने के लिए उन्होंने नोटबंदी लागू की, जीएसटी के रूप में अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था लागू की, पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया, सीमा लांघ कर भारतीय सेना ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक की, आतंकियों को जवाब देने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके कारण पूरी दुनिया ने महसूस किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपने दुश्मनों को कहीं भी जाकर नेस्तनाबूद कर सकता है। आजाद भारत में वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 8 सालों से सत्ता पर आसीन है। कोरोना की महामारी जैसी अप्रत्याशित आपदा के दौरान भी मोदी की अगुवाई में बड़े फैसले लिए गए। इसने लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में जनधन योजना, मेक इन इंडिया, सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन जैसी तमाम लोकप्रिय स्कीमें लॉन्च हुई। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भी काफी बढ़ावा दिया। इसका नमूना केदारनाथ से काशी तक दिखता है। राम मंदिर ही नहीं, बीजेपी ने काशी से लेकर केदारनाथ और सोमनाथ से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को भव्यता और दिव्यता दी है। उनकी सरकार में गाय और गोवंश का मुद्दा प्राथमिकता से लिया गया। सालों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन शुरू हुआ। इन तमाम चीजों ने हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर मोदी की इमेज मजबूत की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हिट।